इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं असम क्लब प्रीमियर लीग के आज के दिन के दोस्तों दूसरे मुकाबले की सीरीज़ का। दोस्तों ये 21वां मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम BDM वर्सेस टीम CLT के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस मुकाबले में आपके लिए स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे, कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। इसके अलावा मेरे भाइयों आप इस मुकाबले में कैप्टन या वाइस कैप्टन किसको पिक करके चल सकते हो। तो ओवरऑल आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप कुछ भी विन करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों इतना मैं बता दूं कि जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी या दोस्तों जिस भी टीम के साथ मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा। अभी के समय दोस्तों ऑलमोस्ट 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाएं, फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा और ये आपके लिए ज़रूरी भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो मैच है वो कहाँ पर खेला जाएगा। तो ये मैच खेला जाएगा सतेंद्र मोहन देव स्टेडियम जो कि है सिलचर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इस विकेट पर जो मदद है वो तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी है, लेकिन इतना याद रखना मेरे भाइयों की बारिश भी यहां पर आ सकती है क्योंकि पहला मैच जो था वो बारिश के कारण थोड़ा सा लेट में स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है कि इस मैच में भी बारिश आपको देखने को मिले, ठीक है। और पहला मैच इनका सिर्फ 15 ओवर का ही किया गया है, तो इतना याद रखना कि इस मैच में बारिश दखल अंदाजी कर सकती है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, अपनी टीम की शुरुआत करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो टीम BDM है ना, इन्होंने दोस्तों टूर्नामेंट के अंदर अपना एक मैच खेला है जहाँ पर ये अपना दोस्तों पहला मैच जीत कर आए हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ टीम CLT की, टूर्नामेंट के अंदर इनका भी एक मैच हुआ था लेकिन वो मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। तो इनके जो प्लेयर्स के स्टैट्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो पहला नाम आपको देखने को मिलता है ए तालुकदार का जो कि भाई यहाँ पे आते हैं अपनी टीम BDM की ओर से। अगर मैं इनका दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बात करूँ किस नंबर पर आके बैटिंग करेंगे, तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर 4 के आसपास है, यानी कि बैटिंग थोड़ा सा नीचे करेंगे लेकिन आपको अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हुए भी नज़र आने वाले हैं। और लास्ट मैच में देखा जाए तो बहुत ही शानदार 57 रन की इन्होंने इनिंग खेली है। तो अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तब तो आपके लिए स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है तो आप चाहो तो अपनी टीम से इनको बाहर भी रख सकते हो। अभी के लिए भाई मैं पिक करके चलूंगा क्योंकि पहले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर आए हैं। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं दोस्तों जो एक प्लेयर है एस पॉल जो कि मेरे भाई आते हैं CLT की ओर से। एस पॉल की बात करूं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, 144 मैचेस इन्होंने भाई क्लब लेवल पे खेले हैं जहां पर इनके नाम दोस्तों 2837 रन है। तो ओवरऑल आप चाहो तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और एस पॉल जो है वो आपको दोस्तों अपनी टीम के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। लेके जाना चाहो तो जा सकते हो, हालांकि बैटिंग थोड़ा सा नीचे करें इस कारण से मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ से नाम निकल के आता है दोस्तों जी तालुकदार का, जिनके देखो इस मैच में खेलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन इनका जो स्टैट्स वो मैं बता देता हूँ। 61 मैच के अंदर इन्होंने 1150 रन बनाए हैं, हालांकि बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, अगर मैच में खेलता है तो आप ट्राई करना। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बी रंजन दास की। तो बी रंजन दास की मैं बात करूं तो दोस्तों ये आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। इन्होंने भी 23 मैच में अपनी टीम के लिए 773 रन बनाए हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी के लिए भाई स्मॉल लीग में ए तालुकदार ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चाहो तो इन्हीं की टीम से लेके जा सकते हो जी सेकिया को, क्योंकि ये तो आपको अपनी टीम के लिए ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे। लास्ट मैच में इन्होंने 23 रन बनाए थे, हालांकि जी सेकिया ने लास्ट मैच में विकेट कीपिंग नहीं की थी। तो अगर इनकी टीम मेरे भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है आप तालुकदार को लेना, लेकिन अगर इनकी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है यानी कि टारगेट का पीछा करती है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से जी सेकिया को लेके जाना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे दोस्तों जी सेकिया को पिक करूँगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बैटिंग की। पहला नाम निकल के आता है पल्लव कुमार दास का। तो मेरे भाई इस टूर्नामेंट में ये आपको ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे, काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि कमाल का खिलाड़ी है। 75 मैच के अंदर दोस्तों इन्होंने 2390 रन बनाए हुए हैं, साथ में इनकी जो एवरेज है वो भी 36 की रही, यानी कि ओवरऑल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आपको बैटिंग के साथ साथ दोस्तों काफ़ी अच्छा बॉलिंग भी करके दे सकते
सकता है, लेकिन बॉलिंग के चांसेस कम रहेंगे। बाकी आपको ओपन तो करके देगा ही, साथ में रिकॉर्ड भी शानदार है, तो आप यहाँ से इनको पिक करके चलोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे जो नाम निकल के आता है ना, वो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे दीप्तेश शाह का। दीप्तेश शाह की मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए ओपन करने आते हैं, बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। अगर इन्होंने मैं बोलूँ तो गेंदबाजी की हुई थी, और गेंदबाजी से अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी 3 गेंदों के अंदर 1 विकेट निकाल लिया था, यानी कि आपको बैटिंग बॉलिंग करके दे सकता है, तो इस कारण से भाई पिक करके चलना पड़ेगा। सुमंत झा की मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने 3 ओवर की बॉलिंग की और अपनी टीम के लिए 3 विकेट भी निकाले, 1 ओवर इनका मैडन भी था, तो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, तो हम यहाँ से इनको पिक करके चलेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नाम निकल के आता है पी सरकार का, जिनको भाई 56% लोग लेके जा रहे हैं। पी सरकार की अगर मैं बात करूँ तो इस मैच में खेलने के जो चांसेस हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। खेलने के चांसेस तो इनके रहेंगे, लेकिन बैटिंग जो है वो बता देते हैं कि ओपन करने ही आते हैं। इनका भी थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा है, 110 मैच खेले हुए हैं जहां पर 2799 रन, और अपनी टीम के लिए इन्होंने 114 विकेट भी निकाले, यानी कि एक ऐसा प्लेयर है ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग करके दे सकते हैं, तो इनको भी हम ट्राई कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अहमद लास्ट मैच में नहीं खेले थे तो इनको पिक नहीं करना है। फिर नाम निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे बी शाह का। बी शाह की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर नेम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, विशाल शाह है। विशाल शाह की अगर मैं देखूँ तो खेलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मान के चलो ना के बराबर है, क्योंकि लास्ट मैच आप देखोगे तो वहाँ पर प्लेइंग 11 में ये नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पर आप नाम निकल के आता है डी दास का। डी दास का रिकॉर्ड भी आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको इन्होंने आपने इन्हें अब खेलते हुए भी देखा होगा, अभी जो लीग हो रही थी 88 मैचेस खेले हुए हैं, 2299 रन इनके नाम है, तो ओवरऑल कुछ खास है नहीं। तो बैटिंग सेक्शन से 4 बैट्समैन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो मैं यहाँ से इन चारों को ही पिक करके चलूँगा। बाकी और कोई का अगर रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आप यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से किसको पिक करोगे। पहला नाम आता है आर अहमद का। मैंने आपसे बोला था कि आर अहमद बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, लास्ट मैच में इन्होंने 3 ओवर की बॉलिंग की है, अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकालें और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योति का लास्ट मैच में खेले थे, बैटिंग नीचे करने आए थे, बॉलिंग इनको मिली नहीं थी। के सेकिया की मैं बात करूं तो दोस्तों के सेकिया की अगर बात की जाए तो लास्ट मैच में इन्होंने 1 ही ओवर किया था, हालांकि इन्होंने अपने पहले ओवर में विकेट निकाल लिया था, तो देखना पड़ेगा किस मैच में इनको कितने ओवर मिलते हैं। बाकी आर बस फोर की मैं बात करूं तो लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की थी। इसके अलावा यहां पर हम सीएलटी की बात करें तो इनके सामने 3 प्लेयर आते हैं। सबसे पहला नाम आता है आर विकास दास का। इनकी बात करूं मैं तो 41 मैच में 628 रन, 54 विकेट इनके नाम है, ओवरऑल ठीक ठाक चॉइस लग रही है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर नाम आता है दोस्तों यहाँ पे डी अहमद का। डी अहमद आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। इनके नाम भी दोस्तों 142 मैच में 3400 रन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, और साथ में 63 विकेट है, तो आप इनको भी पिक करके चलोगे। फिर नाम निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे एच सरस्वत का। एच सरस्वत की मैं बात करूँ तो सिलेक्शन काफ़ी कम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 54 मैच के अंदर 121 विकेट इनके नाम है, तो ट्रंप प्लेयर आपके लिए इस मैच में एच सरस्वत होंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पर इनको भी कंसीडर करके जा सकते हो। 4 ऑलराउंडर्स को आप पिक कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये चारों ही ऑलराउंडर्स आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। बात कर लेते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में देखो आर छेत्री इंपॉर्टेंट है इस मैच में भी। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं अपूर्व दास की, अरूप दास की बहुत ही अच्छा बॉलर है, 80 के आसपास मैच है और 115 विकेट इनके नाम है, तो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपके सामने नाम आता है पी रॉय का, अच्छा स्पिनर है, 86 मैच के अंदर इन्होंने 143 विकेट निकाले, लेके जाना चाहो तो जा सकते हो, किसी बैट्समैन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और वो बैट्समैन कौन होगा आपको डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही बैट्समैन अच्छे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो सरस्वत पे या फिर आर विकास दास पे, क्योंकि मैं स्पिनर को ड्रॉप नहीं करना चाहता हूँ, स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ओवरऑल हमारी जो टीम यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसके अलावा एक खिलाड़ी आता है जयदास। जयदास ने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले हुए थे, आप अगर इनको लेके जाना चाहते हो जयदास को अपनी टीम में तो लेके जा सकते हो किसी भी प्लेयर की जगह पर। बाकी जो सीएलडी टीम में ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई मैं कुछ चेंज करूंगा नहीं। तो हमारी दोस्तों यहाँ पे जो टीम है रेडी हो चुकी है। बात करूं अगर मैं अपनी इस टीम की, तो भाई मैंने 6 खिलाड़ी पिक करके रखे हैं सीएलटी की ओर से, 5 खिलाड़ी मैंने पिक करके रखे हैं टीम बीडीएम की ओर से। अगर मैं बात करूं अपनी इस टीम में मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको पिक करके चलूंगा, तो देखो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कैप्टनसी का वो पल्लव कुमार दास रहेंगे। रीजन सिंपल सा है, बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। सुमंत झा को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि सुमंत झा आपको 1 डाउन पे आके बैटिंग भी करके दे रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको वर्स भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आर अहमद अच्छी ऑप्शन, आप इनको करके जा सकते हो, लेकिन पल्लव कुमार दास बहुत ही अच्छा बैट्समैन, अगर सेट हो जाता है तो फिर आउट करना थोड़ा सा इनको मुश्किल भी हो जाता है। तो ओवरऑल हमारी दोस्तों यहाँ पे जो टीम है रेडी हो चुकी है, इसको सेव कर देते हैं और एक बार आप इसका एक बार प्रीव्यू देख लीजिए।
तो ये दोस्तों जो है हमारी स्मॉल लीग की टीम, एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लें, जो भी आपको चेंज करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी अब मान के चलो 80% ये टीम जो है वो मेरी फाइनल रहेगी। बाकी अगर हमारी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता है आफ्टर लाइन ने भी टॉस के बाद, या हमारी जो 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं इन्वेस्ट करूंगा वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी के समय दोस्तों ऑलमोस्ट 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, फाइनल अपडेट फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा लेना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच को कवर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।